नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में। और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। एक ऐसा इंटरैक्टिव शो है जहां पे एंकर, गेस्ट और एक्सपर्ट मिलके चलते हैं शेयर मार्केट की दुनिया में और समझने की कोशिश करते हैं बाजार के आजकल को। तो चलिए सीधा आपको मिलवाते हैं हमारे पैनलिस्ट से, उसके बाद शुरुआत करते हैं मार्केट लाइव की। आ गई है, दैट इज पावर ग्रिड। ठीक है, अब चलते हैं सीधा निखिल सर के पास। सर, कैसा लग रहा है बाजार ओवरऑल और निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या राय बनती है इस वक्त, क्या करना चाहिए? बाइंग 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 वैश्विक चढ़ाव उतर के साथ फ्रंटलाइन शेयरों में और जो इंडेक्स बेस्ड शेयर है, स्टॉक्स है, उसमें एक अपेक्षित बिकवाली की एक संभावना थी जो आज वो आज खत्म हो गई है। आज का निफ्टी फ्यूचर है 1919970। यहाँ से बाइंग बनता है। मार्केट में कोई मतलब बेरिस मूड नहीं है। मार्केट अभी G20 खत्म हुआ, G20 के पैरेलल इन लोगों ने मतलब 20,000 का निफ्टी भी कर दिया और आज भी निफ्टी में मेरा यहीं से बाइंग बनता है। कोई भी स्टॉक फ्रंट लाइन का जो है, मतलब जैसे ए ग्रुप का है, आप उठा के बाइंग कर सकते। ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस 19909 का निफ्टी फ्यूचर का और 20,202 का टारगेट बनता है। जी ठीक है, ये मैंने तो मेरा निफ्टी की राय है। अभी स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बोलेंगे। हाँ जी, स्टॉक रेकमेंडेशन बता दीजिए सर आज के लिए। स्टॉक स्पेसिफिकली मैडम, हाँ यस, हाँ डेरिवेटिव के लिए मैडम मेरा स्टॉक रेकमेंडेशन दो एक जो 1805 है उसको 178 प्लस बना के 1830 और 1850 तक का इसका लेवल बनता है। और दूसरा एक बार नाम फिर से बता दीजिए, आपकी वॉइस ब्रेक। टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्फोसिस से पहले आपने क्या बताया था? कोटक बैंक मैडम। कोटक बैंक जी, कोटक बैंक जी सर, या कोटक बैंक में अभी मैं बुलिश ही हूँ। बैंकिंग सेक्टर स्टॉक है और ट्रेडर्स के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। यहाँ से 1830 1850 का टारगेट लगाकर मतलब चल सकते हैं हम लोग। 1780 का स्टॉप लॉस जी। दूसरा स्टॉक मतलब है जो ऐसे मेरे रडार में 1485 चल रहा है, ये भी ट्रेडर्स के लिए 1500 का टारगेट से ट्रेडर्स इसमें बाइंग कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक इंफोसिस था सर, क्या था? इंफोसिस मैडम, दूसरा स्टॉक जो है वो इंफोसिस है जी, 1485 1500 का टारगेट। 1500 के ऊपर अगर ये आ दे रहा है मैडम, 1530-1520 का इसका एक टारगेट बनता है। इसका स्टॉप लॉस 1470 लगाकर ये ट्रेड कर सकते हैं जी। सर टाइम फ्रेम एक बार बताएंगे। अभी मैडम टाइम फ्रेम में ऐसा होता है, स्टॉक मार्केट टाइम फ्रेम के लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट में दो ही चीज है, प्रॉफिट और लॉस। जैसे मान लीजिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया मतलब लॉस बुक करना है और टारगेट अचीव हो गया तो प्रॉफिट बुक करना है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस, ये दो ही चीज देखनी चाहिए मेरे हिसाब से, पर्सनल व्यू से जी। ठीक है, तो दो स्टॉक रिकमेंडेशन है आज के लिए, राइट? यस मैडम जी। ओके, थैंक यू सो मच सर शो में जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी साथ ही साथ बढ़िया स्टॉक रिकमेंडेशन देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।